जोशीमठ में प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण की खबर मिल रही है, सीएम मौजूद हैं। आपको बताएं कल से ही सीएम पहुंचे हुए हैं, लगातार प्रभावितों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर खुद ग्राउंड पर उतर करके सीएम इस वक्त देख रहे हैं। तो कल से ही एक्टिविटी बहुत बढ़ी हुई है, जहां सीएम ने प्रभावितों से मुलाकात करी है, बातचीत करी है, एक्सक्लूसिव बातचीत एबीपी गंगा से भी हुई। लेकिन इसी बीच ताजा अपडेट यह है कि सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का, और वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, शुरू से इस पूरी खबर पर उनकी नजर है। आज किस तरीके की हलचल है रवि? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कल यहाँ पर थे, रात्रि प्रवास उन्होंने यहाँ पर किया है और रात को भी वो यहाँ पर जो लोग बेघर हुए हैं उनसे उन्होंने बातचीत की है, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन इस वक्त अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये नरसिंह मंदिर है, भगवान बद्री विशाल की जो शीतकालीन पूजा है वो यहाँ पर ही होती है, तो ये नरसिंह मंदिर है और जहाँ पर मुख्यमंत्री अब कुछ ही देर में, क्योंकि ऊपर क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फ्लीट आ गई है, यहाँ से थोड़ा सा पैदल रास्ता है और पैदल रास्ते से होते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आज मुख्यमंत्री अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से। यहाँ से वो पूजा अर्चना करेंगे और जिस तरीके से जो जोशीमठ पर संकट आया है उस संकट के बीच जो है भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना से यहाँ के लोगों को राहत मिल सके, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री का जो आज कार्यक्रम है वो शुरुआत होगी नरसिंह मंदिर से, जहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री ऊपर आ चुके हैं लेकिन पैदल जो है यहां से यहां पर पहुंचेंगे, मंदिर में कुछ पैदल रास्ता है जिसके बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो आज की शुरुआत यहां से है। उसके बाद की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की आज ताबड़तोड़ बैठकें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात उन दो होटल को लेकर बनी हुई है जिनको अभी ध्वस्त नहीं किया गया है और यहां पर बर्फबारी भी शुरू हुई है, ऊपरी इलाकों में काफी बर्फ गिर चुकी है। तो ऐसे में वहां के होटल जो स्वामी है उनसे बातचीत भी रहेगी और ये कोशिश की जाएगी कि जो बहुत ज्यादा दरारें जिन पर हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री यहां पर उन दो समितियों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं जो मुआवजे को लेकर यहां पर बनाई गई हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग राय है तमाम लोगों की। कुछ लोगों को बना हुआ घर चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि जमीन चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सिर्फ धनराशि दे दी जाए और यहां से वो अपना जो है खुद घर बना देंगे। तो अलग अलग राय है, अलग अलग तरीके से लोगों को इस बार यहां पर हानि भी हुई है, क्योंकि किसी के घर है, किसी की दुकान है तो किसी के होटल है, तो इसी वजह से दो समितियां बनाई गई हैं और उन दो समितियों के साथ भी आज मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासन के पास समय की कमी है और समय की कमी इस वजह से है क्योंकि मौसम यहां पर बदल रहा है, जर्जर इमारतें हो चुकी हैं और ये वजह है कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर मुआवजे की बात को फाइनल करके लोगों के साथ वो बातचीत करें और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई यहां पर करनी है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वो की जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ITBP और SDRF और NDRF इन तमाम जो अधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री आज यहां पर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ITBP में रुके हुए हैं और ITBP में ही ये तमाम जो आज बैठकें हैं वो होनी है, लेकिन सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होगी वो नरसिंह भगवान के आशीर्वाद से होगी। उनकी पूजा अर्चना यहां पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं और उन्हीं का इंतजार है, क्योंकि यहां से पैदल मार्ग है और मुख्यमंत्री पैदल ही यहां नीचे आएंगे। तमाम लोग उनका यहां पर इंतजार भी कर रहे हैं और यहां से ही वो उसके बाद जब यहां पर पूजा अर्चना करेंगे उसके बाद ITBP जाएंगे, क्योंकि कल रात की अगर बात करें तो तमाम जो आपदा के जो प्रभावित हैं उनके साथ वो राहत शिविर में गए थे। राहत शिविर में उन्होंने उनके साथ बातचीत की और उनसे ये जाना कि क्या कड़कड़ाती ठंड में प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएं हैं या फिर कोई दिक्कतें तो नहीं है। उसके बाद हमने लोगों से बातचीत भी की थी, उन्होंने भी बताया कि मुख्यमंत्री आए हैं तो ढांढस बनता है और कहीं ना कहीं लोगों की एक आस मजबूत होती है कि अब कुछ अच्छा होगा। तो प्रदेश का मुखिया इस वक्त जो है जब उन्हीं आपदा प्रभावितों के बीच हैं और आज भी जो बैठकें हैं वो बैठकें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिव मुख्यमंत्री ने की थी, उन्होंने बहुत कुछ चीजें बताई थी कि यहां पर दरारों के आने का सिलसिला जो है 7 जनवरी के बाद जो है देखा नहीं गया, वो नई दरारें नहीं आई। इसी तरीके से जो पानी का रिसाव जो बहुत ज़्यादा हो रहा था वो भी पिछले तीन से चार दिनों से वो कम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक अच्छे संकेत हैं। अब मैं आपको सीधी तस्वीरें बताता हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये पैदल रास्ते से नीचे आ रहे हैं और यहाँ पर अब नरसिंह मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ की खुशहाली के लिए वो बात करेंगे। तो यहाँ से नरसिंह मंदिर पे मुख्यमंत्री आएंगे, वो ITBP से आए हैं, उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना होगी। यहाँ पर भी तैयारियाँ हैं, मैं तब तक वो दिखा देता हूँ जब तक मुख्यमंत्री जी नीचे आते हैं जी। तो मैं बात कर लेता हूँ सर, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है पूजा अर्चना? हमें पृथ्वी का संकट है तो गाय पूजा पहले करेंगे, गौ पूजा, फिर गुरु पूजा करेंगे, फिर भगवान नरसिंह की पूजा करेंगे।
गाय है, बच्ची, ये दोनों बच्चा सहित गाय है, शब्द से गाय। तो यहाँ पर किस तरह पूजा, थोड़ा सा बताइए कितना महत्व है, क्योंकि संकट आप यहाँ पर। शास्त्र कहता है गोविर विप्रश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सत्यैः धारितैः। गाय पृथ्वी का स्वरूप है तो प्रथम गाय का ही पूजन हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गाय है और उनकी पूजा के बाद ही जो है पूजा आगे की होगी। तो ये क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का जो संकट आया है तो उसके बाद जो गाय है, बच्ची है, उनके बाद पर पूजा होनी है। यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया, जो पुरोहित हैं यहाँ के उन्होंने हमें ये बात बताई। तो आप देखिए यहाँ पर गाय बच्ची है तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है पूजा होनी है। और इसी वजह से आज नरसिंह भगवान के मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं कि गाय माँ को यहाँ पर लाए और मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद ये मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊँगा जब यहाँ पर वो पूजा की शुरुआत बाहर से यहाँ से शुरू करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से जब पूजा अर्चना होगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री फिर अपने बैठकों का दौर शुरू करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री आज यहीं पर हैं और जो लगातार बैठकें हैं वो चलती रहेंगी। अब मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। मुख्यमंत्री यहाँ से जो नरसिंह मंदिर का द्वार है वहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री नीचे आएंगे नंगे पांव और उसके बाद ही जो आगे की पूजा अर्चना है वो शुरू करेंगे। हम उनसे बात भी करेंगे और आज का पूरा शेड्यूल भी जानेंगे कि क्या उनका पूरा शेड्यूल आज रहने वाला है और जोशीमठ के संकट से बाहर जोशीमठ को निकालने के लिए सरकार का मेगा प्लान क्या है, क्या वो आगे करना चाहते हैं और आज किस तरीके की उनकी जो बैठकें हैं वो भी कितने महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री अब आएंगे और ये भगवान नरसिंह का मंदिर है जहाँ पर शीतकालीन प्रवास बद्री विशाल की जो गद्दी स्थल है वो यहाँ शीतकालीन प्रवास रहता है और जो भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं वो पहले नरसिंह भगवान के दर्शन करते हैं तभी उस यात्रा को पूरा माना जाता है। तो ये अब यहाँ से मुख्यमंत्री नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद दर्शन होगा क्योंकि ये बड़ी महत्ता इस स्थान की है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। क्योंकि एक बड़ा संकट ये भी था कि जोशीमठ, जिस तरीके से न्यू जोशीमठ की बात आई है, लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिन धार्मिक स्थानों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे धार्मिक स्थानों को भी अच्छे तरीके से किया जा सके ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री नीचे आएंगे और उसके बाद हम उनसे बातचीत भी करें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर आए हैं और यहाँ से चले क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।